बिल्कुल जी, आज हमारा ईद उल अज़हा ईद का दिन था, इसके लिए हमने यहाँ पे ईदगाह पे नमाज पढ़ी। पहले थोड़ी सी तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, मौसम खराब ना हो जाए, तो हमने दोनों ऑप्शन रखे थे, ईदगाह का भी रखा था और मस्जिद का भी रखा था। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि बारिश नहीं हुई है, तो यहीं पे ईदगाह पे हो गया। आपने देख ही लिया कि साहब ने दुआ मांगी अपने अमन अमान के लिए, अपने कठुआ शहर के लिए, अपनी यूपी जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं मांगी और पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं मांगी, अमन चैन रहे। और यहाँ पे हम जितने भी यहाँ पे अपनी बरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इकट्ठे जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही इकट्ठे चलें और आपस में प्यार बना रहे हैं। आज मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देने आया हूँ, क्योंकि आज बकरा ईद है, ये सभी लोग हम मिलजुल कर मना रहे हैं, हिंदू सिख मुसलमान इसको तमाम मिलजुल कर मना रहे हैं इस त्यौहार को। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, खासकर कठुआ मुसलमान सिखों का भाईचारा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब की तरफ से सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सबको शुभकामनाएं हैं, इन लोगों को, घर वालों को, सभी को। आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारी यूपी में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारे किसी भी रिलीजन का कोई फंक्शन होता है, ईद है, दिवाली है, कोई फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं, हम लोग सब इकट्ठे होकर मिलकर बनाते हैं। ये परंपरा चलती आई है, ये हमेशा चलती रहेगी, ये भाईचारा हमारा हमेशा रहेगा। पैगाम यही है कि शांति रहे, अमन रहे, सब लोग खुशहाली में रहें और सब खुशी से रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।